रामचंद्र रउआ सब देख रहा बानी प्लानेट भोजपुरी। आज हम आयल बानी मुंबई से लगा हुआ बिरार से थोड़ा सा दूर हाईवे टच सेफाले गांव में, और यहां पे भोजपुरी फिल्म सनम के शूटिंग हो रहा बा। के बाने ये सस्पेंस बा, आए खुद ही रउआ सब देखल जाओ। अनारा जी आपका प्लानेट भोजपुरी में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद राम। निसार भाई आपका भी स्वागत बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया इवानी ग्लैमरस क्वीन मिस जम्मू अनारा गुप्ता जी और निसार भाई फिल्म मॉडल और एक्टर परफेक्ट डांसर और नाच नचैया धूम मचैया से लेके अब तक ढेर सारा आप टीवी शो से लेके फिल्म तो देखले हो कब, तो आई कुछ पुरानी याद ताज़ा कर जाओ। अनारा जी सबसे पहले जौन आप और निसार भाई के जोड़ी मिलन भइल रहे पहल का वो बारी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके। मैं और निसार आई थिंक हम लोग बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं, और आज से लगभग पाँच साल पहले एक शो आया था महुआ पे नाच नचैया धूम मचैया, जिसका कॉन्सेप्ट था कि एक हीरोइन और एक कॉमन मैन। निसार को मैं तब लखनऊ से अपने साथ डांस पार्टनर चुन के लेके आई थी, बट ये आज कॉमन मैन जो है कॉमन मैन रहा नहीं, अभी ये स्टार हो गया है भोजपुरी का। फीलिंग सो प्राउड कि मैंने 5 साल पहले जिस निसार के साथ काम किया था वो आज भी उतना ही डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर और बहुत मेहनती है। जब अपने परफॉर्मेंस की मेहनत करते थे, प्रैक्टिस करते थे और पूरा एकदम पागलों की तरह हम लोग करते थे, वो जो पैशन मुझे उस निसार में नज़र आता था आज भी मुझे उस निसार में, मतलब इस निसार में वो पैशन नज़र आता था, तो एक खुशी की बात है। निसार जी आप वो यादें ताज़ा कीजिए। पहली बात तो ये है कि देखिए अनारा जी ये का ये बड़ापन है कि ये मेरी इतनी तारीफ़ कर रही हैं, और जब मैं इंडस्ट्री में आया था ऑडिशन करने के लिए तो सही बोला इन्होंने कि मैं एक आम आदमी था, और जिस तरीके से और आम लोगों के सपने होते हैं कि वो फिल्मों में काम करें, क्योंकि आर्टिस्ट का कीड़ा सबकी बॉडी में होता है कहीं ना कहीं, तो एज ए डांसर मैं आया था और काफ़ी नर्वस भी था, बट अनारा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया, बहुत समझाया, और कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा सफ़र है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो थैंक यू सो मच कि अनारा जी ने मुझे सेलेक्ट किया और उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। जैसे कि नाच नचैया धूम मचैया की बात हम कर रहे हैं, तो भैया उनमें जो है ना थोड़ा सा पता चलल बाटे कि फाइनल जब गलत रहे जो है स्टेज पर उस टाइम पर निसार भाई के पैर में कुछ प्रॉब्लम रहे और अनारा जी के तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन पब्लिक के या और पूरी टीम के केहू के एहसास ना भइल कि ये लोग कौन हालत में परफॉर्म कर रहल बने, तो बताइए वो कितना का भइल रहे। एक्चुअली क्या था कि हम लोग एक्टर्स हैं और हमें इतना रिहर्सल करने की, इतना सब करने की आदत तो है नहीं, लेकिन हम लोग 3 महीने से कंटिन्यू रिहर्सल शूटिंग उसके ऊपर प्रेशर विन होने का, जीतने का और अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने का, तो आई वाज नॉट वेल। मैं पिछले काफ़ी टाइम से मैं बीमार चल रही थी और निसार एक मूवमेंट करते करते उसका पैर एक्चुअली वो जो पूरा मसल है वो फट गया था उसका, लेकिन यस हम लोग एक्टर्स हैं, हमारा ये है कि कुछ भी हो हमारे फेस पे नहीं आता और हमें लगता है कि शो मस्ट गो ऑन वाला जो एक है जो राज कपूर जी ने अपनी फिल्मों में भी बोला है, तो हम लोगों का वही था कि हम अपना काम अच्छा कर दें, उसके बाद बेशक टांग पकड़ के या पेट पकड़ के या सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, बट वो जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए। और यस वो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि गणेश आचार्य जी ने खड़े होके उस परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया था तीनों जजेस ने। एक्चुअली मेरी और निसार की इकलौती ऐसी जोड़ी थी जिनको तीनों जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। सर जी आप उस कितनी तकलीफ और कितना दर्द झेल रहे थे उस टाइम? देखिए दर्द की तो सीमा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जिसको दर्द होता वही जानता है, मगर दर्शकों का इतना ज़्यादा प्यार मिला हम लोगों को, इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतने ज़्यादा वोटिंग मिली हम लोगों को कि उनकी प्यार की वजह से वो दर्द गायब हो गया। तो उनके लिए हम लोग नाचते थे और उनके आशीर्वाद से और उनके प्यार की वजह से हम लोगों का दर्द गायब हो गया और हम फाइनल में जाके जीते। सर भाई कॉमन मैन से आज स्टारडम हासिल करे तक जो सफ़र तय कर लिए, 5 साल में कितना उतार कितना चढ़ाव, कितना तकलीफ या कितना नर्वस या कितना एक्स्ट्रा जो भेल? एज ए आर्टिस्ट बहुत से सीनियर ऐसे एक्टर हैं जो जिन्होंने स्ट्रगल किया है, वैसे मेरे साथ भी हुआ। मैं आया नाच नचैया धूम मचैया करने के बाद मुझे ऑफर्स मिले फिल्मों के, उसके बाद मैं 1-2 साल मैंने स्ट्रगल भी किया, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी हीरो हैं वो सिंगर्स हैं,
तो मैंने जहाँ भी जाके और मतलब मीटिंग्स की ऑडिशंस दिए तो यही बोला गया कि भाई आप सिंगर होते तो ले लिया जाता, मगर अनारा जी ने बोला नहीं भाई लगे रहो। तो कहीं ना कहीं करके अपने दोस्तों से पैसे, क्योंकि बिना बॉम्बे में पैसे लेने नहीं, अगर आपके पास तो आप नहीं रह सकते, बॉम्बे लेता है फिर तभी आपको देता है। तो कहीं ना कहीं इनका बैकअप था, मैं स्ट्रगल करता रहा करता रहा करता रहा, फिर उसके बाद एक मूवी, दो मूवी, तीन मूवी, और आप लोग के आशीर्वाद से और मेरे जो दर्शक हैं उनके आशीर्वाद से आज मैं स्टार के मुकाम पे हूँ। अनारा जी, आज ये अपन जो सफलता क्रेडिट कहीं कहीं कुछ न कुछ का ढेर सारा आपके देर हलवा ने कहा चाह, अच्छा लगता है मुझे। और एक्चुअली क्या था, जब निसार स्ट्रगल कर रहा था तो निसार को मैंने बोला था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी अपनी किसी फिल्म में तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा साथ दूंगी निसार, और मैं बिना पैसों के काम करूंगी तुम्हारी फिल्म के लिए, ये मेरा तुम्हारे से वादा है। और यस, इसने जो पहली फिल्म की थी अपनी शिव रक्षक, उसके लिए मुझे इसने कॉल किया और मुझे बोला कि अनारा जी मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस है और मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म, वो गाना आप, मैं आपके साथ करूं। और इसने तो बोला कि नहीं, मैं बोलता हूं प्रोड्यूसर को आपको। मैंने कहा नहीं, मेरा वादा था कि मैं पहला काम तुम्हारे लिए फ्री करूंगी, बस मुझे आने जाने की टिकट दे देना। वो इसने दे दी थी आने जाने की टिकट, और वो फिल्म बहुत सुपर डुपर रही। एज ए डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी निसार को मिला, और उस फिल्म का वो गाना जो मेरा और निसार का गाना था, वो दर्शकों ने बहुत सराहाया, बहुत प्यार दिया। और फिर आज हम एक साथ दोबारा इस फिल्म में काम कर रहे हैं सनम में। और यश, मेरी हमेशा भगवान जी से यही दुआ है और विनती है कि ये बहुत आगे जाए, बहुत मेहनती लड़का है, और जो इंसान मेहनत करता है मैं यही चाहती हूँ भगवान से कि उसको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिले। हाँ जी, कह सकते हैं हम कि निसार जी और आप एक अच्छे दोस्त हैं। ऑफकोर्स अच्छे दोस्त हैं, और डेफिनेटली हमने, क्योंकि इतना काम साथ किया है, हमने 3 महीने पूरा शो एक साथ किया, उसके बाद इसकी फिल्म, इसका स्ट्रगल टाइम में कभी कभी फ़ोन करके रोता था बेचारा कि मैं जा रहा हूँ, आपने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना। मैं इसको बोलती नहीं कर, मेहनत कर, तू कर सकता है, तेरे में भगवान ने शक्ल सूरत बॉडी सब दे रखा है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो हर इंसान को करना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है कि उसने अपना स्ट्रगल छोड़ा नहीं, करता गया और ये आज इस जगह पे है। निसार भाई, जैसे बात दोस्ती की होती, दोस्ती में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, रूठना और मनाना भी होता है, कभी ऐसा मोमेंट है कि आप लोग किसी बात पर झगड़ा किए हुए? ऐसा होता था कि जो कंटेस्टेंट है उनको एक विला में रखा जाता है घर से अलग, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने घर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थी ऐसा नहीं, मगर हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी स्टार्टिंग में, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जिस तरीके से आपने बोला कि ये मेरी दोस्त थी, तो इन्होंने मुझे खुद अपना दोस्त बनाया। अब नहीं है क्या? अभी अब तो यारों के यार वाला मामला हो गया, ऐसा नहीं है। हाफ गर्लफ्रेंड नहीं बोलेंगे, हमारा रिश्ता अलग है, और गर्लफ्रेंड ही बोल सकते हैं, बट दोस्ती वाली है हमारा। हाँ। लोग वैसे बहुत से लोग बोलते भी हैं कि भाई ये अनारा है, ये वो है, तो कंट्रोवर्सी नहीं मामला रखता है। यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में मेरी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग इन्होंने खुद बनाई मेरे साथ, कि क्योंकि बहुत नया आया था और हम लोग स्टेज पे ना लगता था कि हम लोगों की केमिस्ट्री नहीं है, स्टेज पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो हम, मैंने इसको फिर एक दिन बिठाया, मैं इसको बोला कि तुझे लगता होगा कि मैं स्टार हूँ, एक्टर हूँ, तो मैंने कहा वो ध्यान में मत रख, बस ये सोच कि मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और हम अच्छे से करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। तो बस वही था, एक अच्छी दोस्ती का माइंड में था, और वो उस वही जो बॉन्डिंग थी उसको रखते हुए हमने इतनी दूर तक सफर तय किया, नाचिया धूमचिया में। और मेरे साथ नहीं, जितनी भी एक्ट्रेस थी उन सब ने, जो भी पार्टनर जो चुन के लाया था, सबको बहुत कंफर्टेबल किया था, क्योंकि सब नए थे, कुछ नया था, तो सब ने बहुत, सीमा है, अस्मिति है, लवी है, गुंजन पंत थी, सब ने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स को बहुत कंफर्टेबल एज ए फ्रेंड उनको एकदम रखा था कि वो सब अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। राजी, बात करें आपका जो अब तक का सफ़र रहा, कैसा रहा, कितना खट्टा मीठा है, क्या कहेंगे? ऑफकोर्स मेरा सफ़र में तो बहुत उतार चढ़ाव है, और टचवुड भगवान जी की कृपा है कि मैंने निडर होके और बिना डगमगाए अब तक अपना सफ़र पे चलती आई हूँ। पहले हीरोइन थी, अब प्रोड्यूसर बनने जा रही हूँ। मेरी फिल्म जो मेरे फियांसे करण सिंह प्रिंस के साथ हम लोग दिल हिंदुस्तानी की शूटिंग करने वाले हैं जल्द ही, तो अच्छा लगता है। एज ए स्ट्रगलर आई थी, फिर हीरोइन बनी, फिर सुपरस्टार बन गई, अब प्रोड्यूसर बनूंगी। आई विश मैं सुपरस्टार प्रोड्यूसर बनूं, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स दूं। अनार जी, बात करें, आज आपने एक बार फिर से ये जोड़ी यहाँ पे परफॉर्म किया, और
शूटिंग के अंदर आपने शूटिंग किया तो क्या कहना चाहेंगे अपने जो सेम एक्सपीरियंस था एक्टर्स प्लेइंग एक्टर्स ऐसा था कि हम लोग एक्टर्स हैं वही प्ले कर रहे हैं एक्टर्स प्ले कर रहे हैं लेकिन बहुत फन आया बहुत मज़ा आया मैं निसार से बहुत दिनों बाद मिली और हम लोग लास्ट होली पे मिले थे मैं करण निसार मेरी फैमिली हम सब ने होली एक साथ बनाई थी और होली पे हम एक्चुअली हमारा फैमिली रिलेशन है निसार के साथ तो हम लोगों ने होली साथ में सेलिब्रेट की थी उसके बाद आज हम लोग मिल रहे हैं तो इट वॉज़ फन बहुत मज़ा आया बहुत बहुत बेहतरीन गाना था डायरेक्टर जो हैं कुंदन जी उनको मेरा बहुत बहुत बधाई हो गाना बहुत बढ़िया था और फिल्म इस गाने के जो स्पेशली कोरियोग्राफर थे एंथनी जी उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया और बहुत मज़ा आया फटाफट हमने गाना शूट कर दिया ख़त्म कर दिया बहुत ही सुंदर पिक्चराइज हुआ है। निसार जी आप क्या कहना चाहें कितना इन्जॉय किया आज? सेम है बहुत अच्छा है जो रियल में हम लोग शूटिंग की लाइफ जीते हैं वही हमने यहाँ पर दर्शाया है और मैं दुआ करूँगा कि ये फिल्म सुपर हिट हो और इंडस्ट्री में कुछ अच्छा लोगों को देखने को मिले बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मेरे दर्शकों का प्यार चाहिए मुझे। आपकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो अभी कौन कौन से आने वाले हैं? अभी मेरी आने वाली फिल्म है चमत्कार किस्मत वाला और जैसे कि मैं फिल्म कर रहा हूँ सनम हम दो साल में और मेरी बकरीद में भी लेटेस्ट फिल्म आ रही है रिसॉर्ट। प्लैनेट भोजपुरी के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जो प्लैनेट भोजपुरी के दर्शकों से यही कहूँगी कि जितना प्यार मान सम्मान उन्होंने मुझे आज तक दिया है प्लीज़ देते रहिए कीप वॉचिंग मी कहीं भी देखूँ मैं यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे स्पेशली प्लैनेट भोजपुरी पे दिखूँ तो प्लीज़ मुझे देखते रहिए और अपना प्यार सम्मान मुझे देते रहिए। निसार जी आप क्या कहना चाहेंगे प्लैनेट भोजपुरी देखने प्लैनेट भोजपुरी के जितने भी कार्यकर्ता हैं स्पेशली राम जी मैं सबको बधाई दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हर महादेव हर हर महादेव। थैंक यू अनारा जी थैंक यू निसार भाई आपको और रुवा सब ऐसे ही फिर आपके कौनों शूटिंग के सेट पे आप सबके लेके चलब तो देखते रहें प्लैनेट भोजपुरी हम रामचंद्र कैमरामैन विकास के साथ प्लैनेट भोजपुरी। प्लैनेट भोजपुरी।